अस्सलामु अलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुश आमदीद। इसराइली कंपनियां अमारात में करोड़ों दिरहम की सरमायाकारी करने को तैयार। अबू धाबी की मारूफ कंपनी ने कोविड टेस्ट की कीमत में हैरतअंगेज कमी कर दी। बड़ा ऑपरेशन, मुत्तहिद अरब अमारात में 500 से ज़ायद बच्चों को जिंसी ज्यादती से बचा लिया गया। समंदरी शार्क वेल भटक कर अबू धाबी की झील में आफसी हुक्काम ने कई घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू कर लिया। अमारात में किसी की मजाहिया वीडियो बनाने और पोस्ट करने में क्या ख्याल रखना होगा। अमारात और इसराइल के ताल्लुकात। दुबई बुर्ज खलीफा के साए तले यहूदियों के लिए आलीशान होटल खुल गया। मुत्तहिद अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान। अब खबरों की तफसील। मुत्तहिद अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान। मुत्तहिद अरब अमारात में 6 दिसंबर पर रोज इतवार कोरोना वायरस के 1,153 नए केसेस रिकॉर्ड, जबकि अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,76,429 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में 634 सेहतियाबियों के बाद सेहतियाबियों की कुल तादाद 1,59,132 हो गई है। आज कोरोना से मजीद 3 हलाकतों के बाद हलाकतों की कुल तादाद 592 हो गई है। समंदरी शार्क वेल भटक कर अबू धाबी की झील में आपसी हुक्काम ने कई घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी के समंदरी इलाके में इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई, जब 18 फीट लंबी एक शार्क वेल समंदर में रास्ता भटक कर अल्बानिया की एक मस्नूई झील में आ फंसी। झील में फंसी इस शार्क वेल के लिए खतरा पैदा हो गया था कि वो खुराक की वजह से जल्द मर सकती है, क्योंकि वो बहर अरब से 20 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। ताहम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की एक टीम ने एनवायरमेंट एजेंसी के साथ मिलकर इस देवकामत मछली को वापस समंदर में मुंतकिल कर दिया। अमारात और इसराइल के ताल्लुकात। दुबई बुर्ज खलीफा के साए तले यहूदियों के लिए आलीशान होटल खुल गया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिद अरब अमारात और इसराइल के माबैन परवाजों की आमदोरफ्त के सिलसिले के आगाज के बाद दुबई के रेस्टोरेंट इसराइली यहूदी सयाहों के लिए कोशर खानों की पेशकश कर रहे हैं। इसराइल और मुत्तहिद अरब अमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के बाकायदा क्याम के बाद दुबई के रेस्टोरेंट और केटरिंग सनत से मुंसलिक अफराद यहूदी सयाहों की बड़ी तादाद पर नजर रखे हुए हैं। इस तनाजुर में दुनिया की बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा के साए तले अरमानी होटल में एक यहूदी राबी ने दुबई के पहले कोशर रेस्टोरेंट का आगाज किया है। इस आलिशान होटल में वाकई अरमानी काफ नामी कोशर रेस्टोरेंट के बावर्ची फैबियन फायोली का कहना है कि वो कई महीनों से अपने स्टाफ को कोशर खाने तैयार करने की तरबियत दे रहे हैं। अमारात में किसी की मजाहिया वीडियो बनाने और पोस्ट करने में क्या ख्याल रखना होगा। तफसीलात के मुताबिक गल्फ न्यूज़ की जानिब से बताया गया है कि अमारात में व्लॉगर्स को अपनी जाती तस्वीर पब्लिश करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता किसी पब्लिक मकाम पर फोटो या वीडियोस बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि दीगर अफराद फ्रेम में नज़र ना आएं, या फिर सोशल मीडिया पर वीडियोज़ या फोटोज पोस्ट करने से पहले इनके चेहरे ब्लर यानी धुंधले कर दें। ऐसे मकामात पर हरगिज़ फोटोग्राफ या वीडियो ना बनाएं जहां पर नो फोटोग्राफी का साइन नस्ब है। ये ममानियत अमूमन सरकारी, नीम सरकारी इदारों या सकाफती मकामात पर की जाती है। अगर आप किसी की कोई वीडियो या फोटो बना रहे हैं तो इस शख्स से पेशगी इजाज़त लेना बेहतर रहेगा। बगैर इजाज़त ये हरकत आपको जेल ले जा सकती है। इसी तरह अगर किसी की मर्जी के बगैर इसकी मजाहिया वीडियो बनाई तो भी आपके लिए कानूनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बड़ा ऑपरेशन, मुत्तहिद अरब अमारात में 500 से ज़ायद बच्चों को जिंसी ज्यादती से बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में मुकीम बैनुल अक्वामी सलामती इत्तेहाद के एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि 11 हुकूमतों के तआवुन से चलने वाली बच्चों के तहफ्फुज की तंजीम के तहत बड़े ऑपरेशन के नतीजे में 549 बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचा लिया गया है। ISA के लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला अल हाशमी का कहना है कि ISI ने इस ऑपरेशन को मुरतब किया, जिसके नतीजे में बच्चों के इस्तेहसाल में मुलविस 771 गिरफ्तारियाँ और 500 वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया गया। इस ऑपरेशन में जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में वसी पैमाने पर मुलविस थे।
इसमें बच्चों से ज्यादती और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के मवाद की तशहीर करना शामिल है। अबू धाबी की मारूफ कंपनी ने कोविड टेस्ट की कीमत में हैरतअंगेज कमी कर दी। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में सेहा नामी हेल्थ सर्विसेज कंपनी ने ऐलान किया है कि कोविड 19 टेस्ट की कीमत को आधी कीमत से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सेहा ने दावा किया है कि कोविड टेस्ट की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। हेल्थ अथॉरिटी ने हफ्ते के रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐलान किया है कि अब से सेहा के तमाम टेस्टिंग मराकज में PCR के टेस्ट की कीमत 85 दिरहम होगी, जिसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। इसराइली कंपनियां अमारात में करोड़ों दिरहम की सरमायाकारी करने को तैयार। तफसीलात के मुताबिक ज्यूरिख कैपिटल फंड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फहद अल मिराबी की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसराइली कंपनियां UAE के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 1.83 अरब दिरहम से ज़ायद की सरमायाकारी करेंगी। अल मिराबी का कहना था कि हम इसराइल से अमारात में सरमायाकारी ला रहे हैं, इसी तरह अमाराती सरमायाकार भी इसराइल में सरमायाकारी करेंगे। इसराइली सरमायाकारों की जानिब से अब तक अमारात में 1.83 अरब दिरहम की सरमायाकारी के समझौते किए जा चुके हैं, जिनमें रियल एस्टेट, फिनटेक, ब्लॉकचेन और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। ये कंपनियां पहले से ही इसराइल के मुख्तलिफ मालियाती इदारों और इंश्योरेंस फर्म्स में सरमायाकारी कर रही हैं। ज्यूरिख कैपिटल फंड्स ने 3 दर्जन इसराइली कंपनियों और दीगर लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर क्रिकेट क्वाइन भी लॉन्च किया है। अब तक के लिए इतना ही, अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।